किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र में कमाया जाए, ये वक्त नहीं हालात तय करते हैं। दोस्तों, एक कहानी एक बच्चे की है जिसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर न जाने भगवान से क्या मांग रहा था। उसके कपड़ों में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसके तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा था। जैसे ही वह बच्चा उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा भगवान से क्या मांगा। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए मेरी माँ रोती रहती है और मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती रहती है, उसी के लिए मैं भगवान से पैसे मांगने आया हूँ। फिर अजनबी ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है और मैं स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चना खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मानो रूह में उतर रहे हों। फिर एक बार अजनबी ने पूछा, बेटा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। बच्चे ने कहा, पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती अंकल, मगर मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं माँ हमें देखती रहती है, जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने पहले खा लिया था, उस समय लगता है मेरी माँ झूठ बोलती है। फिर अजनबी कहता है, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्चा मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे। बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं अंकल, पढ़े लिखे लोग गरीबों से नफरत करते हैं, हमें किसी पढ़े लिखे ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। बच्चे की इतनी बातें सुनकर अजनबी हैरान था और शर्मिंदा भी। फिर बच्चे ने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा, यहाँ सभी आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और बोला, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं। अजनबी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और अजनबी ने उस बच्चे को गले से लगा के अजनबी भी रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी का हम यहीं अंत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप उस लायक हो तो ऐसे लोगों की आप मदद जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।